रिक्त स्थानों को भरिए। 1 लाख बराबर है 10 10 हज़ार, 1 मिलियन बराबर है 10 100 हज़ार, 1 करोड़ बराबर है 10 10 लाख, 1 करोड़ बराबर है 10 मिलियन, 1 मिलियन बराबर है 10 लाख, 1 बिलियन बराबर है 1000 मिलियन। क्वेश्चन 2, 7,52,21,302 को अल्प विरामों का प्रयोग करते हुए संख्या को लिखिए। इसको ऐसे लिखा जाएगा, पीछे से 3 अंक छोड़ के फिर दो ऐसे आगे तक, 58,423,202। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में है, इसको पीछे से 3 3 अंक छोड़ते हुए अल्पविराम लगाते जाएंगे। क्वेश्चन 3, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखे। यहाँ इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम लगाए गए हैं और शब्दों में लिखा गया है। इससे अगला क्वेश्चन है, इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम लगाए गए हैं और शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के शब्दों में लिखा गया है। व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं, वस्तु की लंबाई चौड़ाई मापने के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर का यूज किया जाता है। वस्तु की मोटाई मापने के लिए मिलीमीटर यानी एमएम का यूज किया जाता है। 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर या 10,000 मिलीमीटर, यानी 1000 मीटर गुणा में 1000 mm, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर गुणा में 100 सेंटीमीटर यानी 1,00,000 सेंटीमीटर, 1 ग्राम बराबर है 1000 मिलीग्राम, 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम गुना में 1000 मिलीग्राम यानी 10,00,000 मिलीग्राम, 1 लीटर बराबर है 1000 मिलीलीटर। ध्यान रहे, किलो का अर्थ है 1000 या बड़ा होता है और मिली का अर्थ है 1000वां भाग या छोटा होता है। किलो 1000 गुना दर्शाता है जबकि मिली 1000वां भाग दर्शाता है, अर्थात 1 kg बराबर है 1000 ग्राम और 1 ग्राम बराबर है 1000 मिलीग्राम। इसी प्रकार सेंटी 100वां भाग दर्शाता है, अर्थात 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर।